नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सबका आज के इस दूसरे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्र में जो ग्रोथ फंड यूपीएससी द्वारा प्रायोजित है। आज इस दूसरे सत्र में हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख के बारे में बात करेंगे जिसका टाइटल हम दृश्यमान है गूगल पे, यानी कि यहाँ गूगल को कुछ भुगतान करना पड़ा, ऐसा हमें टाइटल को देख के लगता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। थोड़े दिनों पहले जो एक न्यूज आई थी कि ऑस्ट्रेलिया ने कुछ अपने कानूनों में फेरफार किए हैं, जिस फेरफारों के तहत अब अगर गूगल को वहाँ का लोकल न्यूज़ दिखाने होंगे, गूगल या फेसबुक या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म की बात करें तो अगर वहाँ उनको लोकल न्यूज़ दिखाने होंगे तो उन लोगों को, वहाँ के लोकल न्यूज़ प्रोड्यूसर्स को, वहाँ के लोकल मीडिया को कुछ अमाउंट जो है वो देनी होगी। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि ऐसे न्यूज़ स्नाइपर्स को दिखा गया जो किसी मीडिया हाउस के द्वारा जिसका सर्जन हुआ है, वो न्यूज स्नाइपेट को दिखा के, ये गूगल और फेसबुक और ऐसे अन्य प्लेटफॉर्म्स उसको दिखा के, एडवर्टाइजमेंट दिखा के अरबों डॉलर्स का बिजनेस करते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं। ठीक है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने यह कानून फॉर्म किया था। प्लस ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट यह पहली गवर्नमेंट नहीं है जिसने ऐसा कानून फॉर्म किया था। सबसे प्रथम 2019 में यूरोपियन यूनियन ने अपने क्षेत्र के लिए ऐसा कानून बनाया था जिसे कॉपीराइट, ऑनलाइन कॉपीराइट्स का नाम दिया गया था, जिसके तहत ऐसे प्लेटफॉर्म्स को बाधित किया गया कि आप लोकल न्यूज़ प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई जो समाचार है या जो माहितियां हैं वो आप ऐसे ही अपने फायदे के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आप निसंदेह यूज़ करें मगर आपको इन रिटर्न आपको कुछ भुगतान करना होगा जो इस लोकल न्यूज़ प्रोड्यूसर्स को होना चाहिए। यहाँ दो चार कारण है। एक कारण तो ये है कि जो लोकल न्यूज़ प्रोड्यूसर्स है, लोकल न्यूज़ प्रोवाइडर्स है, उनकी स्थिति जो है वो दयनीय है। ठीक है, तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी अगर उनकी न्यूज़, अगर उनका कंटेंट कहीं और यूज़ हो रहा है तो उनको पैसे मिले। ठीक है, प्लस साथ ही में यह एक कॉपीराइट का भी वायोलेशन है कि जो ओरिजिनल कंटेंट डेवलपर है उसको कुछ नहीं मिल रहा है, और जो मीडिएटर जो कि अपने प्लेटफॉर्म पर मात्र और मात्र इसका यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसे करोड़ों रुपये एड की ओर से या अन्य किसी ओर से मिलते हैं, तो ये एक अपने आप में ही अन्याय है। तो इन सारी चीज़ों को बंद करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने सबसे प्रथम यह लॉ लागू किया था। यूरोपियन यूनियन के लॉ बनाने के बाद सबसे प्रथम उसमें फ्रेंच गवर्नमेंट थी जिसने अपने क्षेत्र में यह पूरा कानून लागू करवाया। इट वॉज द फ्रांस वॉज द फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू इंप्लीमेंट दिस पर्टिकुलर कॉपीराइट वायोलेशन, ऑनलाइन कॉपीराइट वायोलेशन लॉ। जैसे ही फ्रांस में लागू किया तो गूगल और फेसबुक ने क्या किया कि वो स्नाइपेट्स दिखाना ही बंद कर दिए, क्योंकि अगर वे दिखाते तो उन लोगों को पेमेंट देना पड़ता था, तो यह स्नाइपेट दिखाना ही बंद कर दिए। अगर दिखा है तो उन लोगों को पेमेंट देना होगा, मगर अब उन लोगों ने यह दिखाना बंद कर दिया, तो जिससे जो एक फ्रांस कॉम्पिटिशन वॉचडॉग है, फ्रेंच कॉम्पिटिशन वॉचडॉग उसे कहते हैं, उसे मज़ा नहीं आया और उन्होंने फेसबुक और गूगल को, दोनों को अच्छी तरीके से डांट दी कि भाई आप लोग यह कानून की वजह से आप लोग अपना अपना जो कंटेंट है उसमें फेरफार नहीं कर सकते। जिस तरह आप लोग न्यूज़ स्नैपेट दिखाते थे उसी तरह आपको न्यूज़ स्नैपेट दिखाना है, और उसको दिखाने के आपको लोकल न्यूज़ प्रोड्यूसर्स को पैसे भी देने हैं। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा है जिसको हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। लेख की तस्वीर देखेंगे, फिर उसके बाद आगे हमारी चर्चा बढ़ाएंगे। देखिए, गूगल पे इज यह एक बेनाम लेख है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ है। छोटा सा लेख है मगर इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई है। हमारी भारतीय सरकार को भी कुछ अनुशंसाएं दी गई है कि कैसे हमें यूरोपियन लॉज व ऑस्ट्रेलियन लॉज से हमें सीखना होगा, और कहा गया है कि भारत जो आज डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को रोकने का प्रयास कर रहा है, तो इसी के साथ ये जो ऑनलाइन कॉपीराइट वायोलेशन है इसको भी रोकना होगा, जिससे भारतीय मीडिया हाउसेस को भी बहुत ही फायदा हो सकता है। आज ऐसा हो रहा है कि जो भारत के न्यू मीडिया हाउसेस ने जो कंटेंट क्रिएट किया है उसे यूज करके गूगल वो फेसबुक उसे यूज करके उसमें एडवर्टाइजमेंट भर के बिलियंस ऑफ डॉलर्स रुपीस कमा रहे हैं, जिसमें से एक फूटी कौड़ी भी हमारे लोकल न्यूज प्रोड्यूसर्स को नहीं मिलती, और लोकल न्यूज प्रोड्यूसर्स जो है वे मृत शैया पर लेटे हुए हैं। ठीक है, तो उन लोगों की परिस्थिति भी अच्छी हो, साथ ही में कॉपीराइट वायोलेशन जो है वो भी जो है थोड़ा कम हो, तो इन दोनों उद्देश्यों के साथ भारतीय सरकार को त्वरित ही ऐसा एक रोबुस्ट मैकेनिज्म, ऐसा एक रोबुस्ट लॉ दाखिल करना चाहिए, ऐसी लेखक ने हमें यहाँ अनुशंसाएं दी है। देखते हैं निष्कर्ष में, देखेंगे निष्कर्ष में तो वही देखना है कि
भारत में एक ऐसा रोबस्ट मैकेनिज्म होना चाहिए, दैट्स इट। भारत में त्वरित ही ऐसा कानून लागू होना चाहिए, और उसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें मात्र और मात्र यूरोपियन यूनियन का लो उठाना है। उसमें भारत के संदर्भ में जो फेरफार करने अनिवार्य है उसे उस चीजों को बदलना है मात्र, और यह पूरा का पूरा जो लो है वही लो लागू कर देना है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मगर हमारी भारतीय सरकार अभी भी यह स्टैंड में नहीं है, तो इसी के लिए लेखक ने बार बार यह सरकार को सिफारिशें दी है, यह सरकार को सुझाव दी है कि आप भी यह चीज करें, ताकि हमारे मीडिया हाउसेस को, लोकल मीडिया हाउसेस को फायदा मिले। जैसे यूरोपियन यूनियन ने बोला, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने बोला, जैसे भारत को भी बोलना ही पड़ेगा, वरना गूगल और फेसबुक वे न्यूज कलेक्शन के पूरे प्रोसेस में एक भी रुपए का निवेश नहीं करते हैं, एक भी रुपए का क्या, एक भी प्रकार के रिसोर्स का रुपए जो है निवेश नहीं करते हैं, ठीक है, चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे वो मैन रिसोर्स हो, चाहे वो अदर रिसोर्स हो। फिर भी किसी और के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ डेटा, किसी और के द्वारा हुआ प्रोड्यूस किया हुआ कंटेंट को यूज करके उसमें एडवर्टाइजमेंट भर के वे लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो उसमें से कुछ हिस्सा यहाँ इन मीडिया हाउसेस को भी देना चाहिए जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर है। और दूसरी बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ईयू लॉ को डायरेक्ट हमें रेप्लिकेट ही करना है, डायरेक्ट रेप्लिकेट करना है, उसको ही उठाना है। भारत संबंधी जो फेरफार जरूरी है, जो अनिवार्य है, उस फेरफारों को करके हमें भारत में लागू कर देना है। तो ये बात रही निष्कर्ष की। अब अगर लेख की महत्वपूर्ण बातें देखें, जिसमें से हमने दो तीन बातें तो देख ली है लेख के शुरुआत में ही, 2019 में यहाँ आंकड़ा देना ठीक नहीं है, वर्ष 2019 में यूरोपियन यूनियन ने एक ऐसा कानून दाखिल किया जो ऑनलाइन कॉपीराइट वायोलेशन को रोकता हो। ठीक है, अपने क्षेत्र में ईयू ने अपने क्षेत्र के लिए यह कानून बनाया, जिसमें से फ्रांस ने सर्वप्रथम बार इसको लागू किया, फ्रांस ने लागू किया, जिसके प्रति आघात थोड़े बुरे पड़े गूगल वो फेसबुक के ऊपर। अब अगर गूगल और फेसबुक फ्रांस में न्यूज स्नाइपेट दिखाते हैं, उसमें एड देके दिखाते हैं, तो उन लोगों को कुछ रकम जो है वो फ्रांस के मीडिया हाउसेस को देनी पड़ती है, मीडिया हाउसेस को। तो इन्होंने यह बंद कर दिया, यह ट्रेंड ही बंद कर दिया न्यूज स्नाइपेट्स दिखाने का अपने आप में ही। ठीक है, जो बात फ्रांस कंपटीशन वॉचडॉग को स्वीकृत नहीं थी, इन्होंने बोला कि भाई आप तो पहले स्नाइपेट दिखाते थे, भरपूर दिखाते थे, मगर जैसे ही यह लॉ अख्तियार हुआ, जैसे ही यह लॉ इंप्लीमेंट हुआ, तो आपने एक ही झटके में अपना जो ऑपरेशन है, अपना ऑपरेशन का जो स्वभाव है वो बदल दिया, तो दिस इज नॉट फेयर। ऐसा फ्रांस के एक कॉम्पिटिशन वॉचडॉग ने ऑब्जर्व किया और कहा कि भाई ये जो लोकल न्यूज प्रोवाइडर्स है ये इनके हित में नहीं है, इनके हित में नहीं। फिर अपील भी हुई, बाद में हम लोग अपील का रिजल्ट भी देखेंगे, जिसमें गूगल को काफी मार पड़ी, गूगल क्या सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को काफी मार पड़ी। और साथ ही में अगर महत्वपूर्ण बातों में दूसरी बात देखें तो भारत में भी सेम परिस्थिति है, भारत भी बेहाल है, भारत के मीडिया हाउसेस भी मृतप्राय है, उनकी आर्थिक परिस्थिति भी खराब है,
ठीक है। और यहाँ इंटरनेट का भी बड़ा मार्केट है, हमें मालूम है, फेसबुक के यूजर्स भी करोड़ों है, गूगल के यूजर्स भी करोड़ों है, तो यहाँ भी हमें ऐसा एक लॉ त्वरित ही दाखिल करना चाहिए, त्वरित ही, ताकि हम लोग जल्द से जल्द हमारे लोकल मीडिया हाउसेस को या पब्लिशर्स को फायदा करा सके, फायदा, और उन लोगों की जो आर्थिक परिस्थिति है उसमें भी थोड़ा सुधार आए। लेख में इतनी बातों का जिक्र हुआ है जो हमारे लिए थोड़ी महत्वपूर्ण हो। अब अगर आगे हम लोग सामान्य अभ्यास के कुछ संशोधित तत्वों की बात करें तो उसमें हम लोग यह पूरा मुद्दा देखेंगे कि दरअसल इश्यू क्या है और आज के दिन इसकी परिस्थिति क्या है। देखिए, मुद्दा तो हमने देखा कि फ्रांस के एक कंपटीशन वॉचडॉग को यह बात हजम नहीं हुई कि गूगल और ऐसा ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने एक ही झटके में अपने जो ऑपरेशंस का जो स्वभाव थे वह बदल दिए, क्योंकि अब फ्रांस में नया लॉ दाखिल हो गया जो कि ऑनलाइन कॉपीराइट वायोलेशन को रोक रहा था। तो यह मुकदमा चला इस पर्टिकुलर संस्था में, इस कंपटीशन वॉचडॉग में फ्रांस में, और कुछ महीनों के बाद गूगल यह मुकदमा हार गया। गूगल हार गया और बाद में सहमति बनी कि अब गूगल फ्रांस में न्यूज स्नाइपेट्स दिखाएगा। न्यूज स्नाइपेट्स विल बी रिज्यूम्ड और उसमें से जो एड्स में से जो पैसे मिले वो इनकम भी डिस्ट्रीब्यूट होगी इन प्रोपोर्शन विथ लोकल न्यूज पब्लिशर्स। तो अब गूगल जो है वो राजी हो गया है। फिर भी यह एग्रीमेंट से कितनी रकम दोनों के बीच में बांटी जाएगी वो अब बातें जो है वो अभी भी बाकी है, वो तय करनी, मगर एक मोटा मोटा मत बन गया कि अब यह जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वे ऐसे किसी के ओरिजिनल कंटेंट को दिखाने के लिए उनको रॉयल्टी देंगे। ठीक है, तो यह एक रॉयल्टी का मामला यहां लागू हो गया और यह रॉयल्टी सब जाएगी लोकल न्यूज पब्लिशर्स को जो रात दिन फील्ड वर्क करके जो है परेशानियां झेल के अपने न्यूज इकट्ठा करते हैं, तो उन न्यूज को अब दिखाने के लिए ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जायंट्स जो है या ऑनलाइन जायंट्स कह लीजिए वे अब पैसे देने के लिए राजी हो गए हैं, पैसे देने के लिए एक टेबल पर बैठ गए हैं। वैसे तो वे राजी नहीं थे मगर इन लोगों के पास और कोई चारा नहीं बचा था, क्योंकि जुडिशरी ने भी वहाँ की जो क्वासी जुडिशियल संस्था थी उसने भी गूगल के ऊपर फटकार लगाई है कि भाई आपको पैसे तो देने ही होंगे, आप ऐसे एक झटके में अपनी अपनी जो पॉलिसी है, अपने जो पॉलिसी ऑफ ऑपरेशन है वो भी आप चेंज नहीं कर सकते। आप जैसे स्नैपचैट देते थे इस लॉ के लागू होने के पूर्व, वैसे ही आपको अभी ही यह स्नैपचैट देने चालू रखने होंगे और उसमें से जो पैसे मिलोगे वो पैसे आपको इनके साथ शेयर करने होंगे इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा था। इस पूरे एग्रीमेंट को, इस पूरी समझौती को लागू करने के लिए नेगोशिएशन चल रहा है बिटवीन गूगल एंड फ्रांस या बिटवीन गूगल एंड ईयू। ठीक है, गूगल और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी नेगोशिएशंस हो रहे हैं कि कैसे यह समझौती को लागू किया जाए, रॉयल्टी में कितनी रकम दी जाए, रॉयल्टी किस तरीके से गिनी जाए, किस तरीके से इसकी गिनती हो। ठीक है, इत्यादि चीज़ों पर आज जो नेगोशिएशन है, जो बातें हैं, जो चर्चा है वो चल रही है, जिसके डेवलपमेंट हमें भविष्य में मालूम होने वाले हैं। और अब तो यह बात पक्की है कि डेवलपमेंट जो होंगे वे लोकल न्यूज़ पब्लिशर के फेवर में ही होंगे, क्योंकि यहाँ फ्रांस में ही जो है गूगल को धक्का मिल गया है और गूगल ने मान भी लिया है कि नहीं, हमें ऑनलाइन कंटेंट दिखाने के लिए जो किसी और के द्वारा उत्पादित हुआ हो उसे दिखाने के लिए हमें उसे रॉयल्टी की रकम देनी होगी। सो आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। हमने इस पूरे लेक्चर में यह मुद्दा देखा जो आज के इस इंटरनेट युग का एक गर्म मुद्दा हम लोग कह सकते हैं, प्लस गूगल और फेसबुक जैसे जो टेक जायंट्स है उनकी मोनोपोली को रोकने के लिए भी यह एक अहम बात थी जो यूरोपियन यूनियन से शुरू हुई, आज ऑस्ट्रेलिया तक फैली हुई है, कल हमारे भारत में भी इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो लेखक ने यहाँ बार बार भारतीय सरकार को अनुशंसा दी है कि भारत को त्वरित ही ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए
त्वरित ही ऐसा कोई रोबुस्ट लो जो है वो अख्तियार करना चाहिए, ताकि उससे ऑनलाइन कॉपीराइट वायोलेशन कम हो, प्लस लोकल न्यूज प्रोवाइडर से, लोकल न्यूज प्रोड्यूसर से उनकी स्थिति भी थोड़ी सुधरे। सो मिलेंगे हम लोग अगले दिन अगले आर्टिकल के साथ, अगले अभ्यास व विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मॉड यूपीएससी, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।